राजद के लालू यादव के द्वारा जो परिवार को लेकर प्रधानमंत्री के पर सवाल खड़े किए गए थे, उसको लेकर अब जो है बीजेपी लगातार हमलावर, क्या कहेंगे सर परिवार को लेकर जिस तरह से हमला किया गया है? देखिए, परिवार लेके क्या हमला करेगा, हम सीधे शब्दों में बोलते हैं, लालू जी सीधे छात्र जीवन में उनका शादी करा दिया गया, और नहीं विशेष नहीं जानकारी के कारण बहुत बाल बच्चे पैदे कर लिए, अपना फौज तैयार किए, इसमें दिक्कत क्या है? हम भी चार बच्चा पैदा किए हैं, दो लड़का दो लड़की, तो क्या करेंगे, हो जाता है। परिवार को बढ़ाने का आगे जो मामला जो चल रहा है अभी, कि लालू जी ने जिस तरह से परिवार को आगे बढ़ाया और दल में भी लोग बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर हमला किया गया है। लालू जी ने कहा है कि अगर परिवार पूरा देश नरेंद्र मोदी का है तो उनकी माँ के निधन के बाद सभी लोगों को बाल दाढ़ी कटवाना चाहिए। एकदम कटवाना, सही बात, वो तो बड़े लोग हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हम छोटे लोग हैं। बाल तो कटाने का हिंदू का परंपरा है, बाल कटना चाहिए, नाखून कटना चाहिए, कपड़ा बदलना चाहिए, ये सब है। अब अपने अपनी सोच, मोदी जी नहीं बाल कटाए, क्या कारण है नहीं है, वो भी आरएसएस के लोग हैं, नहीं मानते होंगे इसको, लेकिन हिंदू बात तो करते हैं, हिंदू करते हैं। क्या लगता है बिहार में क्या तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री बन पाएंगे फिर से क्या कभी? ये न मत पूछिए, कोई किसी टाइम में कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे और 400 सीट हम यहाँ पर लेंगे लोकसभा में। भागलपुर सीट मिल लगना कन्फर्म है, कितना बोलिएगा भाई, किसको टिकट मिलेगा? टिकट हमको मिलेगा और किसको मिलेगा? अजय मंडल बोला हमको मिलेगा। ठीक है, मिले, अरे सीटिंग कैंडिडेट है उन्हीं को दे देगा, तो उनका चुनाव हम लड़ेंगे। तेजस्वी यादव बोला गोपाल मंडल को अपने पक्ष में लाएंगे हम। हाँ, ये है, लालू यादव हम लोगों के आका हैं, बैकवर्डों का मसीहा था, बातचीत होता है। तो क्या लोकसभा चुनाव में आजादी से चुनाव लड़ेंगे क्या? अब किससे लड़ेंगे, पॉकेट में मेरे पॉकेट में है, सिंबल मेरे पॉकेट में है, छोड़ दीजिए कहाँ से लड़ेंगे, हम जदयू का लोग हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे, अब यहीं तक रहने दीजिए। डीएम साहब से एक सप्ते पहले तो नए डीएम आए हैं, डीएम हो या एसपी हो या डीएसपी, यहाँ भी वहाँ भी एसडीओ हो कि एसपी हो डीएसपी, उनका हम सम्मान करते हैं, बुके देके मिठाई देके, मिठाई ले ही नहीं रहे थे, हमने लीजिए, आप बड़ा कम उम्र का है, हम ऊँचे उम्र का है, आप लीजिए मिठाई, न लीजिए खाइएगा, किसी को दे दीजिएगा, खाएगा अपना, बुके दिया, हमारे लड़के भी साथ में थे, ये युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, हम बोले इनके पास 2-3 हज़ार युवा वर्ग है, बढ़ते जा रहे हैं। डीएम साहब इनसे हाथ भी मिलाए, चूँकि देहरादून दून के स्कूल के छात्र थे, पढ़ लिख आए हैं, पूछो किए कि कहाँ पढ़ते हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं यहाँ से TNV से, ये बात इसी काम से डीएम साहब को, और सम्मान करने के लाए थे, और कोई वार्ता नहीं है, उसको नौकरी मिल जाए, क्योंकि पिताजी मर गए चौकीदार थे, उसको नौकरी मिल जाए, इसी के आग्रह के लिए हम आए थे, आश्वासन दिए, एक्शन लिए।